Welcome to my class student. It's class 8, English Lit 1, Honeydew, Chapter 1, Session 3. The story that we are doing is The Best Christmas Present in the World. अभी तक आपने क्या पढ़ा? अभी तक आपने जाना? That letter was written by Jim McPherson. The letter is addressed to Connie, wife of Jim McPherson. And what was written in the letter? A very wonderful event. There were two armies, army of British and the German army. On the Christmas day, they were celebrating Christmas on no man's land by greeting each other and by sharing champagne, by sharing juices, by sharing sausages. And they were like making peace in the war front. Now we will move to the next part of the story. Dorset, he smiled. I know this place. Now who is saying this? Hans Wolf is saying to Jim McPherson. Oh, Dorset, I know this. I know it very well. आपकी जगह तो मुझे पता है. Who belong to Dorset? Jim McPherson belong to Dorset. We shared my rum ration. How much rum was there with them? Rum ration, जितना बॉटल उनके पास रम था, they shared with each other. And his excellent sauces. Sauces किसके पास थे? Hans Wolf के पास थे. And we talked, Connie. How we talked. Now it's written, Jim is saying to wife, कि हम दोनों बातें करते रहे. और कितना हमने बातें किया, Connie. You won't believe. You can't imagine. He spoke almost perfect English. हालांकि वो जर्मन था, लेकिन हैंस बहुत अच्छे इंग्लिश बोल रहा था. But it turned out that he had never set foot in Dorset. बाद में पता चला, वो तो कभी डॉर्सेट आया ही नहीं था. Never even been to England. वो तो कभी इंग्लैंड ही नहीं आया था. He had learned all he knew of England from school. कहाँ से उसने इंग्लैंड के बारे में जाना? स्कूल से. एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश. वो बुक पढ़ता था इंग्लिश की, तभी उसके इंग्लिश जो बहुत अच्छी थी. तो ये आप भी फॉलो कर सकते हैं. इंग्लिश की किताबें पढ़िए, डिक्शनरी में मीनिंग देखिए, और आप इंग्लिश जितना पढ़ेंगे उतने आप भी बहुत अच्छे इंग्लिश समझने और बोलने लग जाएंगे. तो यहाँ आपने देखा बातें हो रही है Hans Wolf और Jim McPherson की. दोनों दो देशों के, दुश्मन देशों के सोल्जर्स हैं. एक कैप्टन है और दूसरा सोल्जर है अपने जर्मन आर्मी का. His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book, Far From the Merrying Crowd. So out there in no man's land, we talk of Bathsheba and Gabriel O and surge in Troy and Dorset. The Connie, क्या विश्वास कर पाओगी? War front में हमने क्या क्या बातें की? हमने Bathsheba की बातें की, हमने Gabriel की बातें की, हमने surge in Troy की बातें की और Dorset की बातें की, जो कि हमारे England का एक शहर है. He had a wife and one son born just 6 months ago. Hans Wolf के बच्चे की उम्र क्या थी? सिर्फ 6 महीने की. और उसकी एक वाइफ है. As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere. Huddles of khaki and grey. आपको मैंने बताया खाकी आर्मी, खाकी किसका यूनिफॉर्म है? ब्रिटिश आर्मी का यूनिफॉर्म है. तो दर्जनों हडल्स माने एक ऐसा क्राउड जो अनकंट्रोल्ड है. तो अनकंट्रोल्ड क्राउड वह किनका था? सोल्जर्स का था. तो खाकी मींस ब्रिटिश आर्मी एंड ग्रे मींस जर्मन. ये देखो, ये ब्रिटेन की ये जो खाकी है वो ब्रिटिश आर्मी और ये जो ग्रे है वो जर्मन. क्योंकि वहां दो ही आर्मी थी, ब्रिटिश एंड जर्मन. तो इस तरह से हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे की ग्रे लिखकर जिम ने यह बताना चाहा कि दोनों देशों के सोल्जर्स नो मैन्स लैंड पर एक अनकंट्रोल्ड क्राउड की तरह दिख रहे थे. दे वर स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग. वो सब कुछ कर रहे थे जो दोस्त आपस में करते हैं, कभी भी दुश्मन आपस में नहीं करते. बट दैट वॉज द क्रिसमस डे, दे वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस. इसीलिए ये एक वंडरफुल डे था. वर्ड मीनिंग में आप देखो,
फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, ये थॉमस हार्डी की बुक है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। और किसको पसंद थी? हैंसुल्फ को पसंद थी। हडल्स माने अ डेंस एंड डिसऑर्डरली क्राउड। डिसऑर्डरली आर्मी पर्सन्स अपने डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उस समय क्राउड कैसा था उनका? डिसऑर्डरली क्राउड था, बिना किसी डिसिप्लिन के। और लोग स्मोकिंग कर रहे थे, टॉकिंग कर रहे थे, लाफिंग कर रहे थे, सब कुछ वो कर रहे थे। Hansel and I shared what was left of your wonderful Christmas cake. कोनी कि हम सब ने सब कुछ शेयर किया। He thought the marzipan was the best he had ever tasted. We agreed about everything and he was my enemy. There never was a Christmas party like it. कोनी और मैंने अपने दुश्मन के साथ सब कुछ एग्री किया। वो जो जो कहता गया मैं वो एग्री करता गया। और वो हमारा शत्रु था, मेरा शत्रु था कोनी। सी ही इज राइटिंग अ लेटर, जिम इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर टू वाइफ। तो वो बार बार कोनी अपने वाइफ को कह रहा है। जब हम बहुत ही एक्साइटेडली किसी चीज को नरेट करते हैं तो हम जिसको नरेट करते हैं उसका नाम बार बार लेते हैं। तो उसने लेटर में बार बार अपने वाइफ का नाम लिया है। कोनी ऐसा देखो, हमने सबको शेयर किया वंडरफुल क्रिसमस केक, तुम्हारा जो था सिर्फ वही बाकी था, बाकी सब कुछ हमने शेयर किया। और माजिपन वॉज द बेस्ट, जब मैंने उसे तुम्हारे केक के बारे में बताया तो उसने कहा जो माजिपन जो केक है वो बेस्ट है। और उसने अभी तक जितना भी टेस्ट किया उसमें माजिपन जो है केक वो बेस्ट होता है। और मैं एग्री किया क्योंकि तुम वो बनाती हो मेरे लिए। और हमने सब बातों पर एक दूसरे को एग्री किया। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हालांकि वो मेरा शत्रु था। नाउ वी विल मूव टू माजिपन। ये देखो, ये जो माजिपन है ये कवरिंग है केक के ऊपर, ये जो स्वीट कवरिंग है ऑन केक मेड फ्रॉम सुगर एग्स एंड आलमंड्स। सुगर एग्स और आलमंड्स की ये जो कवरिंग है, ये जो कवरिंग है इसको माजिपन कहते हैं। राइट, ये माजिपन है। पिक्चर से अब आपको क्लियर हो गया होगा। Then someone, I don't know who, brought out the football. इतने में ही बात नहीं थमी, सिर्फ क्रिसमस ग्रीटिंग्स में ही बात नहीं थमी, सिर्फ शेयरिंग ऑफ फूड आर्टिकल्स में ही बात नहीं थमी। बात कहाँ थमी? एक फुटबॉल पर। एक फुटबॉल कहीं से कोई लेकर आया। Great coats were dumped in piles to make goal post. सबने अपने अपने यूनिफॉर्म को गोल पोस्ट के तौर डंप किया। ये मेरा गोल पोस्ट है, ये मेरा गोल पोस्ट है। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेन फ्रिट्स। जो टॉमी मतलब ब्रिटिश आर्मी, फ्रिट्स मतलब जर्मन आर्मी। टॉमी इज ब्रिटिश because this is a very common name, very common English name, and Fritz a very common German name. This is the German. तो आप ये देख रहे हो लेटर में बार बार ब्रिटिश और जर्मन नहीं लिखा जा रहा है, कभी यूनिफॉर्म के द्वारा दोनों देशों को बताया जा रहा है और कभी नामों के द्वारा दोनों देशों के बारे में बताया जा रहा है। और ये लिखने की एक बहुत अच्छी टेक्निक है। आप लोग प्लीज इसको अपने स्टाइल ऑफ राइटिंग में लाइए। सब कुछ सीधे सीधे कह देने से बेहतर है कि कुछ अच्छे से आर्टिस्टिक वे में हम कह पाए। तो टॉमी इज फॉर ब्रिटिश एंड फ्रिट्ज इज फॉर जर्मन आर्मी। नाउ द मैच वॉज बिटवीन टॉमी एंड फ्रिट्ज, ब्रिटिश एंड जर्मन। इट वॉज वेयर आउट इन द मिडल ऑफ नो मैन्स लैंड। नो मैन्स लैंड में जहाँ हडल्स ऑफ खाकी और ग्रे कोट्स थे, वहां पर अब फुटबॉल मैच का ग्राउंड बन गया। एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। तो सब लोग क्या कर रहे थे? ऑलवेज स्टैम्पिंग देयर फीट, अपने पांव को जोर जोर से स्टैम्प कर रहे थे, चीयर कर रहे थे, क्लैप कर रहे थे, ताकि ठंड को भी दूर भगा सके। आपको पता है 25 दिसंबर कितनी ठंडी रात थी। There was a moment when I noticed our breaths mingling in air between us. उस समय ऐसा था कि
कि जैसे हमारे आपस की जो एयर है, हमारी सांसें भी एक दूसरे से मिल रही हैं, जबकि वो दोनों आर्मी के दोनों एनिमीज थे. He saw it too and smiled. Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. मुझे लगता है कि इस वॉर का अंत हमें ऐसे ही करना चाहिए. A football match. No one dies in a football match. No children are orphaned. No wives become widows. ये एक ऐसा फुटबॉल मैच है, अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स आज यहीं सुलझा लें तो इसमें कोई मरेगा नहीं, कोई बच्चा जो अनाथ नहीं होगा और नहीं कोई वाइफ विडो होंगी. वर्ड मीनिंग देख लो. रिजॉल्व, टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम. आई प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली. तो जिम ने क्या कहा कि मैं तो क्रिकेट प्रेफर करता ताकि हम जीत जाते. वी लव्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम. सैड टू से कोनी फ्रिट्ज वॉन 2-1. कौन जीता? जर्मन टीम जीत गई. बट एज हैंसल जेनरसली सेड, आवर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स, सो इट वॉज इन क्वाइट फेयर. ठीक है, हमारा जो गोल था थोड़ा वाइडर था उनके गोल से, तो इट्स नॉट क्वाइट फेयर. तो इस तरह से हमने देखा, ये देखो टीम फुटबॉल खेल रही है, खाकी एंड ग्रे, खाकी एंड ग्रे. द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, द सफल्स एंड द रम एंड द सॉसेजेस हैड लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर. I wished Hans well and told him I hope he would see his family again soon. Because उसका 6 महीने का एक बच्चा था. That the fighting would end and we could all go home. तो क्रिसमस पार्टी कैसे खत्म हुई? कौन से विश से? कि वो सब सुरक्षित अपने अपने घर जाएं, अपने अपनी फैमिली से मिले और Hans भी अपने बच्चे से मिल सके. I think that is what every soldier wants on both sides, Hansel said. Take care, Jim McPherson. I shall never forget this moment, nor you. Jim Wolf ने क्या कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, नहीं ये moment भूलूंगा. He saluted and walked away from me slowly, unwillingly. वो चला गया slowly, unwillingly. उसको जाने का मन नहीं था. I felt he turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. वो पीछे मुड़ा, उसने अपने हाथों से वेव किया और फिर वो हजारों जो ग्रे कोटेड जो अपनी टीम आर्मी में वो एक मिल गया, उनमें जाकर सम्मिलित हो गया. तो टुवर्ड्स देयर ट्रेंचेस, अपनी ट्रेंचेस की तरफ गया. दैट नाइट बैक इन आवर डग आउट वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली. वहां से सब कैरोल गा रहे थे. इट वॉज स्टिलनेस साइलेंट नाइट, वो सॉन्ग का नेम है. अवर बॉयज गेव देम अ राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड सेफर्ड वॉज. और हमारी टीम से कौन सा गाना गा रहे थे कैरोल में? वाइल्ड सेफर्ड. वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट. वी हैड अवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम I will treasure as long as I live. ये एक ऐसा मोमेंट था जो मैं हमेशा अपने यादों में रखूंगा. अब ये देखो, ये डग आउट्स होते हैं. A shelter for soldiers made by digging a hole in the ground and covering it. जमीन के अंदर डग होते हैं, घर होते हैं जो कि ढके हुए होते हैं, उसके अंदर सोल्जर्स रहते हैं ताकि दुश्मन उन्हें देख ना पाए. Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. तो उन्होंने कहा, Dearest Connie, अगले क्रिसमस तक ये जो लड़ाई है, जो झगड़ा है, वो एक distant and terrible memory की तरह रहेगा. I know from all that happened today how much both armies long for peace. लेकिन मैं इस वॉर को इस चीज के लिए जानूंगा कि कैसे दो एनिमीज ने, दो आर्मीज ने आज पीस चाहा, लॉन्ग फॉर पीस. वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट. तो जिम ने कहा, हम बहुत जल्द मिलेंगे, योर लविंग जिम. तो यहाँ इस लेटर का अंत होता है. इस लेटर में आपने देखा, उसने सारी स्टोरी बताई कैसे क्या हुआ,
और अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपके आपको इसके आगे की कहानी बताऊंगी, जिसमें वह जो ऑथर है, जिसने वो लेटर पढ़ा है, वह उस लेटर के साथ क्या करता है। तब तक के लिए एक ब्रेक लीजिए, कहानी पढ़िए, बार बार स्लाइड देखिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू।